नमस्कार, स्वागत है आपनो लोकमंच में। चूंटणी परिणाम आ गया, परिणाम आया बाद एनडीए ने बहुमती मिली है। सरकार रचवा दावो एनडीए कर रही है, बैठकों दौर चाली रो है। साथ जे राष्ट्रपति द्वारा पण जे लोकसभा है भंग थी है, एनडीए ने इंडिया इंडिया वर्सिस एनडीए, आपने खबर है कि आ चूंटणी आ बने वच्चे लड़ाई थी। हवे बैठकों दौर चाली रो है। वडाप्रधान नरेन्द्र मोदी था, तेमणे पण राजीनामु आपी दीधुं छे पद पर। पण हवे एनडीएना नेता तरीके तेमने पसंद करवामां आव्या छे अने संसदीय दलना नेता तरीके एमनी वरणी थई छे। 16 पक्षोना राष्ट्रीय नेताओ आ बैठकमां हाजर रह्या हता अने आखरे नेता तरीके वडाप्रधान एटले के नरेन्द्र मोदीने नक्की कर्या छे। मल्लिकार्जुन खड़गेना घरे पण इंडियानी बैठक योजाई। राहुल, प्रियंका गांधी उपरांत एनसीपी सुप्रीमो कहीए शरद पवार, सुप्रिया सुले, अखिलेश यादव, तेजस्वी अने साथे डीएमके ना नेता स्टालिन पण उपस्थित रह्या। आगळनी रणनीति शू रहेशे अने भविष्यमां कई रीते सरकार बनावानो दावो करे छे इंडिया अने एनडीए। इंडिया एटला माटे कहीए छे कारण के इंडियाए पण कवायत हाथ धरी छे। राहुल गांधीए ज्यारे प्रेस कॉन्फरन्स करी त्यारे कह्युं हतुं के इंडियाना जे नेताओ छे एमनी साथे बैठक थशे, त्यारबाद अमे अमारी रणनीति जाहेर करीशुं। अने साथे ज हवे हुकमना एक्का साबित थई रह्या छे नीतीश कुमार, अने साथे ज जे चंद्राबाबू नायडू छे ए पण हुकमना एक्का साबित थई रह्या छे। पण एमणे कह्युं छे के अमे एनडीए साथे जोडાયેલા રહીશું। નો ડાઉટ મંત્રાલયની માંગ કરી છે, સૂત્રો દ્વારા જે માહિતી મળી રહી છે 6 મંત્રાલય ચંદ્રાબાબુ નાયડુએ માંગ્યા છે, 3 મંત્રાલય નીતિશ કુમારે માંગ્યા છે, સાથે સ્પીકર પદ। શું ભાજપા સરકાર આ બધા સાથે કોમ્પ્રોમાઇઝ કરી શકશે કે કેમ? નાયડુ, નીતિશને અન્ય એનડીએના સાથી પક્ષો છે, એમની મનમાની ચાલ છે કે કેમ? બીજું, ભારતીય જનતા પાર્ટીની નૌકા નીતિશ અને જે ચંદ્રાબાબુ નાયડુ છે એમના ભરોસે પાર થશે કે કેમ? મહારાષ્ટ્રમાં પણ તમે જુઓ, શિંદે ગુટના 4 સાંસદ ઉદ્ધવના સંપર્કમાં છે, ત્યાં પણ ઉથલ પાથલના એંધાણ। અને ક્યાંક ઉત્તર પ્રદેશની વાત કરીએ તો જે ઉત્તર પ્રદેશમાં જે ભારતીય જનતા પાર્ટીને નુકસાન ગયું છે એનું કારણ પણ હવે ધીમે ધીમે બહાર આવી રહ્યા છે। મહારાષ્ટ્રમાં એનડીએને 23 સીટનો ફટકો પડ્યો છે, ઉદ્ધવ અને શરદ પવાર ક્યાંક ફાવી ગયા છે। બીજું, લોકશાહીમાં મજબૂત વિપક્ષ મળવાની અપેક્ષા છે આ વખતે, અને મજબૂત વિપક્ષ મળે છે તો જનતાને શું ફાયદો થાય છે એ પણ જોઈશું। હવે બેઠકોનો દોર છે, ત્યારે આગળની રણનીતિ શું રહેશે, કઈ રીતે સરકાર રચાઈ રહી છે અને ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે કે નરેન્દ્ર મોદી કેટલે અંશે કોમ્પ્રોમાઇઝ સમાધાન કરવા માટે તૈયાર થશે એની પર તમામની નજર રહેશે। આ મુદ્દે ચર્ચા કરવી છે। એનડીએને બહુમત, પરંતુ ઇન્ડિયા પણ રેસમાં। મારી સાથે જોડાયા છે જાણીતા રાજકીય વિશ્લેષક ડોક્ટર અજય તિવારી। અજયજી, સ્વાગત છે આપકા લોકમંચ કાર્યક્રમમાં। નમસ્કાર જી। સાથે જ હર્ષવર્ધન પાંડે, રાજકીય વિશ્લેષક। હર્ષવર્ધનજી, આપકા ભી સ્વાગત હે જી। ધન્યવાદ જી। ડોક્ટર અજય તિવારી, ક્યા લગતા હૈ બેઠકો પર બેઠકે હો રહી હૈ, એક તરફ ઇન્ડિયા કી બેઠક, બાકી એનડીએ કી બેઠક, અબ પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદી કો ભી સંસદીય દલ કે નેતા કે રૂપ મે ચુના ગયા હૈ, હાલાકિ વિધાન લોકસભા ભી ભંગ હો ગઈ હૈ। અબ ક્યા લગતા હૈ કી કોન સે રાજકીય સમીકરણ આને વાલે દિનો મે, ક્યોંકિ કોઈ અપની સ્ટ્રેટેજી બતાતા નહીં હૈ, ના ઇન્ડિયા ગઠબંધન બતાયા ના ના એનડીએ ગઠબંધન બતા રહા હૈ। પણ હાલાકિ એક બાત સહી હૈ કે એનડીએ કો બહુમતી મિલી હૈ, ક્યા એનડીએ સરકાર બનાને જા રહી હૈ? અજયજી, निश्चित तौर से मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के दर्शकों को प्रणाम करता हूं और फिर से 140 करोड़ जनता को प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि गजब का जनादेश दिया है, और पांडे जी को और आपको सादर प्रणाम करते हुए कहना चाहता हूं कि निश्चित तौर से ये होना बहुत जरूरी था और ये हुआ है। तो इससे एहसास भी होगा कि दो आदमी की हुकूमत जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी में चल रही थी, जिस तरह से नितिन गडकरी को समिति से बाहर किया गया, जिस तरह से मुरली मनोहर जोशी को हटाया गया, जिस तरह से अडवाणी को अनदेखी की गई, जिस तरह से अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी अपने प्रचंड चाणक्य नीति से भारत देश को जीतने का प्रयास कर रहे थे, आज उन्हीं को अपने ही कार्यकर्ताओं द्वारा पटकनी खानी पड़ी। यह इन्हें सोचना होगा कि अब आगे की रणनीति क्या होगी। गजब, कल्याण सिंह मुख्यमंत्री थे जिन्होंने बाबरी मस्जिद ढहाई, उत्तर प्रदेश के हिंदुत्व ने उन्हें बचाने का काम नहीं किया, उनको भी हराया था। मुलायम सिंह जिन्हें गोलियां चलवाई, और 2024 में भगवान राम का मंदिर बनना और फिर उस बनने के बाद उसका पूजा याचना करके सबको लुभाने का काम करना, सबको दिल को जीतने का काम करने के बावजूद भी अगर लल्लू सिंह अयोध्या से हार जाते हैं
तो योगी आदित्यनाथ को सोचना चाहिए कि जिस तरह से फडणवीस जी ने, महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम फडणवीस जी ने अपने ऊपर जिम्मेदारी लेते हुए इस्तीफा दिया है, क्या योगी आदित्यनाथ को भी इस्तीफा देना चाहिए? क्या योगी आदित्यनाथ को ये नहीं सोचना चाहिए कि योगी आदित्यनाथ जी में या भारतीय जनता पार्टी में क्या कमी रह गई? आदरणीय दिलीप जी, निश्चित तौर से कमी रह गई। कमी रह गई नंबर एक, आपने अगड़े पिछड़े में ला दिया। हिंदू मुस्लिम करते करते ओवैसी की चर्चा की, सवर्ण जातियों को नकारने का काम किया। मेरा नाम डॉक्टर अजय तिवारी है, मेरे माथे पर तिलक लगा रहता है तो कंफर्म दूर से भी लोग कहते हैं कि यह सनातनी है और यह भाजपा का व्यक्ति है। आपने ओवैसी 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 करके इस भारत देश की उस सवर्ण जातियों को भी अपने से दूर करने का काम किया है जिससे राजपूत ब्राह्मण और लाला, यहां तक कि बनिया ने भी वोट देने का काम नहीं किया है। और ये सबक तो बहुत जरूरी था। ओवर कॉन्फिडेंस, यहां तक कि कहा जा रहा है कि अमित शाह जी द्वारा उत्तर प्रदेश में टिकट बांटा गया, या सारी गलती अमित शाह की है क्योंकि योगी आदित्यनाथ की टिकट में नहीं चली। हो सकता है यह कारण हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन क्या यही चाणक्य नीति है? क्या यही हिंदुत्व है? क्या यही सनातनी सिस्टम है कि समाजवादी पार्टी ने अपना परचम लहराते हुए उत्तर प्रदेश में 43 इंडिया गठबंधन में पाया, और उत्तर प्रदेश जहां से प्रधानमंत्री निकल करके आते हैं और प्रधानमंत्री बनते हैं, शायद नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री जी ने इसीलिए बनारस को चुना था, और बनारस में अयोध्या में क्या काम नहीं हुए? क्या एयरपोर्ट वहां नहीं बने? क्या रेल लाइन नहीं बनी? क्या विकास नहीं हुआ? कितना बसों का अड्डा बना? और इतना कुछ होने के बाद भी काशी विश्वनाथ और अयोध्या में दोनों जगह से, मैं नरेंद्र मोदी जी की इस जीत को जीत इसलिए नहीं मानता कि तीन तीन बार बनारस से वह चुनाव में पीछे हटे, तीन तीन बार गणित में वह नीचे गए, आगे नहीं थे, और मात्र 1,52,000 वोट से नरेंद्र मोदी चुनाव जीतते हैं। डॉक्टर अजय तिवारी, ये भी नहीं भूलना चाहिए कि इतना सारा होने के बावजूद भी सरकार बनाने का दावा एनडीए कर रही है, बहुमत एनडीए को मिला है सब। नहीं दिलीप जी, जिस व्यक्तित्व ने यह कहा कि 400 पार, और वह व्यक्ति अपने बहुमत को भी प्राप्त नहीं कर सका, 272 भी नहीं आया। एक समय था जब भारतीय जनता पार्टी खुद निर्णय लिया करती थी, और अभी सरकार बनी नहीं है, तब चंद्रबाबू नायडू का वो स्पीकर बनना, तीन तीन केंद्रीय मंत्री बनना, एक राज्य मंत्री चाहिए, एक वो चाहिए, ये चीज दोगे तब हम रहेंगे। क्या चंद्रबाबू नायडू भूल सकते हैं कि यही अमित शाह जी ने चंद्रबाबू नायडू को जाकर के उनके इलाके में कहा था कि भारतीय जनता पार्टी आपको अपने तरफ कभी भी नहीं लेगी? क्या नीतीश कुमार इस बात को भूल सकते हैं कि अमित शाह जी ने कहा था कि नीतीश कुमार जी भारतीय जनता पार्टी में कभी नहीं आएंगे, और नीतीश कुमार ने कहा था कि हम मर जाएंगे लेकिन भारतीय जनता पार्टी में नहीं जाएंगे? या सभी जानते हैं कि नीतीश कुमार जी का नाम पलटू राम में घोषित है। हम ये नहीं कह रहे कि कल वो पलट जाएंगे, लेकिन अब कम से कम निर्णय लेने में नीतीश कुमार जी और चंद्रबाबू नायडू के बगैर निर्णय लेने में दिक्कत होगी, और यही भारतीय जनता पार्टी, मैं दावे के साथ कह सकता हूं, आरएसएस मोहन भागवत जी के टीम ने जो भी मेहनत की है वह भारतीय जनता पार्टी को मिला है, और तब जाकर के 240 सीट प्राप्त कर पाए हैं। अगर आरएसएस ने साथ नहीं दिया होता तो निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी बहुत पीछे रहती, और इनका एक अपना एक ईगो, मतलब इतना ज्यादा कि पहले ही बोल देना 400 पार आ जाए, 400 पार का नारा, मतलब आपको ओवर कॉन्फिडेंस था, और उस ओवर कॉन्फिडेंस में भी आपने लगभग 10% सीटें ऐसे दी जहां चार चार बार सांसद बन चुका है, वह सांसद अपनी गलियों में नहीं गया है, उनका हारना जरूरी था, इसीलिए जनता नाराज हुई, बेरोजगारी, युवा नाराज हुए, और शायद मुझे लगता है कि मायावती ने उत्तर प्रदेश में सही ढंग से अपना प्रदर्शन नहीं किया, इसलिए मायावती का वोट खसक करके इंडिया और समाजवादी पार्टी में मिलने का काम किया। बिल्कुल, एक बात यह भी है कि भरोसा कितना किया जाए नीतीश कुमार पर। मैं आता हूं हर्षवर्धन पांडे साहब, जो एक बाद एक जो बैठकों का दौर चालू हुआ है, क्या लगता है फिर से एक बार लगता है कि नो डाउट एनडीए भाजपा की बात करें तो सरकार बनाने का जो दावा कर रही है, पर फिर से एक बार देखने को मिला है कि क्षेत्रीय पार्टी है वो सत्ता के केंद्र में आ गई है। पांडे साहब,
जी बिल्कुल, आप सही कहा दिलीप भाई। गठबंधन राजनीति का एक नया दौर शुरू हो गया है और आपको ये देखेगी जो नंबर्स आए हैं, देखिए राष्ट्रपति जिसके पास नंबर ज्यादा है, सबसे पहली पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी है, इस बात को हमें मानना पड़ेगा। तो उसने एनडीए का कुनबा जो अपना है वो जोड़ने की कोशिश की है। हालांकि अलग बात है, 2014 का दौर अलग था, 2019 का अलग था। उस समय तो आप एनडीए के जितने भी दावेदार थे उनको साहब पूछते तक नहीं थे, ना बैठक बुलाते थे। मुझे लगता है इसके बाद जो है किसी को ना किसी को संयोजक बनाना पड़ेगा और इनकी बैठकें भी होंगी। लेकिन सबसे बड़ी बात जो मुझे लगती है कि नरेंद्र मोदी का जिस तरह का से स्वभाव है, जिस तरह से काम करने की उनकी प्रवृत्ति गुजरात के दौर से रही है, और जिस तरीके से उन्होंने लगातार जो है क्षेत्रीय क्षत्रपों को एक तरह से खत्म करने में अपनी बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। जो अटल और आडवाणी की भाजपा थी उससे नरेंद्र मोदी और शाह की भाजपा आज पूरी तरह से अलग है। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि वो किस तरीके से पटरी इस पे बैठाने की कोशिश करते हैं। और मुझे लगता है ये आसान काम नहीं होगा क्योंकि उनकी अपनी मांग है। और आज हमने देखा कि किस तरीके से लगातार अभी से मंत्रालयों के लिए लॉबिंग जो है दिल्ली के अंदर जो है वो शुरू हो गई है। स्पीकर के साथ साथ कहीं केंद्रीय मंत्रियों के पद भी आपको चाहिए, तो कहीं ना कहीं ये सामंजस्य तो बैठाना पड़ेगा। और उधर इंडिया गठबंधन वगैरह इसकी भी जो है बैठक वगैरह चल रही पांडे है। साहब, क्या लगता है मोदी साहब, मोदी नरेंद्र मोदी ये मतलब जो है प्रधानमंत्री, मतलब अभी तक जो किया है उन्होंने, बहुत सक्षम नेता, बहुत सक्षम प्रधानमंत्री साबित हुए, क्या ये कॉम्प्रोमाइज के लिए तैयार होंगे? जो हालांकि अभी से जो कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा कि फलाने मंत्रालय इनको दे दो, फला मंत्रालय इनको दे दो, स्पीकर पद दे दो, ये कॉम्प्रोमाइज के लिए नरेंद्र मोदी तैयार होंगे? देखिए उनकी जो अब तक की पूरी राजनीति रही है 2001 के दौर से हम देखें तो वो अलग तरह की बिल्कुल राजनीति रही है। आप देखिए गुजरात में वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे, कि लेकिन किस तरह से चुन चुनकर उन्होंने अपने सारे विरोधियों को जो है वो निपटाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इसके बाद से आप ये देखिए कि भाजपा के अंदर आज क्या है, जैसा कि अजय तिवारी जी कह रहे, केवल अटल और आडवाणी की भाजपा ये थी कि उसमें कार्यकर्ताओं को एक बहुत बड़ा महत्व मिलता था, कार्यकर्ताओं को सम्मान मिलता था। लेकिन आज की भाजपा साम दाम दंड भेद सारा, उसको पार्टी विद डिफरेंस एक दौर में कहा जाता था, लेकिन अब सारे मानक जो है पूरे अलग हो चुके हैं। तो वो किस तरीके से जो है तालमेल करेंगे, ये एक सबसे देखने वाली बड़ी बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि वो अपने पद से जो है इस्तीफा देंगे या मतलब हटने के लिए तैयार होंगे। किसी ना किसी कीमत पर जो है इसकी बार्गेनिंग की जाएगी। और मुझे ये भी लगता है कि दोनों राज्य जो है स्टेटस स्पेशल राज्य का जो दर्जा है उसकी भी मांग कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से चंद्रबाबू नायडू का एक तरीके से वनवास खत्म हुआ है और एक तरह से कर्ज जो है लगातार आंध्र प्रदेश पे जो है वो बढ़ रहा है। तो इसे देखते हुए क्या सरकार ये कोशिश करेगी कि क्या उनकी मांग पूरी होगी पैकेज की, ये सबसे बड़ी बात। और नीतीश कुमार के सामने भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो किस तरीके से बार बार वो विशेष राज्य के पैकेज की मांग करते रहे हैं, क्या मोदी उनके सामने सरेंडर करेंगे? क्योंकि जिस तरह की उनकी राजनीति रही है उसे देखते हुए मुझे नहीं लगता है। लेकिन दिलीप भाई यहाँ पर एक दूसरा सवाल और खड़ा होता है, इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को राष्ट्रीय फलक से इतर जो है अपने क्षेत्र की राजनीति जमीन जो है उस पर भी जो है वो बने रहना है। और हमने देखा कि आंध्र प्रदेश में किस तरीके से वो अपनी जमीन को जो है बचाने की कोशिश कर रहे हैं। नायडू जो है इस बार विधानसभा में भी उन्होंने अच्छा परफॉर्मेंस किया है, पवन कल्याण बीजेपी और इन तीनों ने मिलकर जो है वहां पर अच्छा परफॉर्मेंस करा, तो उन्हें वहां की सत्ता भी देखनी है। इसी तरह की स्थिति जो है नीतीश कुमार के सामने भी है। फिर वहां पर अभी चुनाव भी है और आप जो है चुनाव में, पिछले चुनाव में आप कम सीटें लेके आए, बीजेपी का आपने बड़ा दिल दिखाते हुए आपको मुख्यमंत्री बनाया। तो यह सब चीजें देखते हुए चलेगा। लेकिन देख दिलीप भाई राजनीति है, कब कौन दुश्मन दोस्त बन जाए, कब दोस्त दुश्मन, कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन फिलहाल तो अभी जैसी एक सवाल खास आपसे पूछना है, आप यूपी से है इसलिए मैं यूपी का सवाल पूछूंगा, क्योंकि ऐसा कहलाता है कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होके जाता है। काफी उम्मीदें थी यूपी से भाजपा को, हालांकि 2014 में 71, 2019 में 62 और अभी 2024 33। क्या लगता है योगी मोदी शाह डबल इंजन की सरकार, क्या कारण कि यहां तक सिमट गई? इंटरनल कोई पॉलिटिक्स आ गया बीच में क्या? देखिए यूपी का दिलीप भाई मिजाज पूरा अलग है। हम कहते हैं दिल्ली का रास्ता यूपी से जाता है और बिहार से जाता है, लेकिन इस बार तो रास्ता पूरा बिहार से जाता हुआ दिखाई दे रहा है। एम फैक्टर पर दो एन फैक्टर भारी हैं, नायडू फैक्टर और आपका नीतीश फैक्टर जो है। तो आप ये देखिए, जब 1952 में पहला चुनाव हुआ था और भारतीय लोकतंत्र की शुरुआत हुई थी, तो जो भी पार्टियां यूपी को साधती थी और सोचती थी कि अब तो वो उसकी लहर पर ही पूरे सवार होंगे। लेकिन जिस जमाने में, एक दौर में दिलीप भाई नेहरू की तूती बोला करती थी, उसी जमाने में इसी यूपी ने ही नेहरू को जो है वो दगा दिखाया, दगा दिलाया, मतलब जगह दिखाया और आईना दिखाने का काम किया। और इसी यूपी की जमीन ने इंदिरा गांधी को भी जो है आपातकाल के दौर में जो है सबसे कम सीटें दी थी। और बाद में वही वही इंदिरा गांधी जो है दुर्गा बनी, काली बनी, उनको जो है प्रचंड लहर में जिताया भी है। और इसी यूपी के तहत जो है हम देखें यूपी में बीजेपी 71 सीटें लाने में साफ कामयाब हो जाती है। तो ये कई तरह की चीजें हैं। और मुझे जो लगता है कि यहाँ पर जो है सबसे बड़ी बात जो है, भाजपा के सांसदों के खिलाफ बहुत
गहरी एंटी इनकम्बेंसी थी। भाजपा के जितने भी चाणक्य हैं वो इस बात को यहाँ भापने में कामयाब नहीं हो पाए। और मैं आपको एक आंकड़ा दे रहा हूँ, जो 30 सांसदों को टिकट दिया गया वो 3 बार लगातार जीते थे, चौथी बार उनको 30 सांसदों को टिकट दिया गया, उसमें से आपके 26 सांसद साहब वो हार गए हैं पूरी तरह से। आप देखिए बड़े बड़े बराबर केंद्रीय मंत्रियों की मंत्री जो है अपनी जमीन बचाने में कामयाब नहीं हो पाए। दूसरा, यहाँ पर सिटिंग सांसदों के खिलाफ गहरी नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी थी, जिसको भापने में भाजपा कामयाब नहीं हो पाई। टिकट आवंटन में पूरी दिल्ली की चली है, योगी की नहीं चली है, ऐसा ऐसी खबरें हैं। और ये इसमें कितनी सच्चाई है ये तो आत्ममंथन करेगी भाजपा, उसके बाद पता लगेगा। कहीं ना कहीं चुनावी सीट पर जो है स्थानीय जोश और मोदी का माहौल बनाती भाजपा की मशीनरी जो है पूरे यूपी में कहीं नजर नहीं आई। मैं आपसे बार बार कहता साइलेंट वोट है, और इस यूपी का मिजाज तो हम देख ही रहे हैं इंदिरा के दौर से, नेहरू के दौर से, और मोदी के दौर में भी दिखा दिया है इस यूपी ने कि आपको पांव जमीन पर रखने पड़ेंगे, जब तक आप जमीन से नहीं जुड़ेंगे तब तक आप कुछ कमाल नहीं कर पाएंगे, और एक तरह से आईना दिखाने का काम किया है। दूसरा, अधिकांश सीटों पर दिलीप भाई यहाँ पर जाति पाति में जो है वोट बढ़ा था, और अखिलेश ने बहुत स्मार्टली तरीके से चुनाव लड़ने की कोशिश की। उन्होंने केवल मुस्लिम और यादव से इतर जो है अन्य जातियों में भी, अगड़ों पिछड़ों में भी अपने कार्यकर्ताओं को जो है वो टिकट दिया, ये एक बहुत बड़ी बात है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि जाति समीकरण ऐसे बन गए अखिलेश की चुनौती को देखते हुए कि भाजपा अपने उम्मीदवार का ही वोट लाने में सफल हो पाई, और उसके अलावा जो अदर कास्ट हैं उनका वोट जो है उनको नहीं मिला। और कहीं ना कहीं मोदी नाम का जो चुंबक है वो अब पहले जैसा नहीं रहा, कहीं ना कहीं इस बात को मानना पड़ेगा हमें कि वो ढलान पे, क्योंकि सारी गारंटी तो साहब आपने ली थी, आप कह रहे थे किसी को भी खड़ा कर दीजिए गारंटी मेरी है, आप मुझे वोट दीजिए, वोट मोदी को जाएगा। अभी भी गारंटी की बात तो चालू है, कल उन्होंने जब भाजपा कार्यालय दिल्ली पे हम बोला तब भी गारंटी की तो वो दे ही रहे। पर तिवारी साहब जो बात अब बात आती है, नीतीश फैक्टर भारी हो गया है। एक टाइम था कि नीतीश को पलटूराम का उपमा दे दिया था, नीतीश का भरोसा कोई करने वाला नहीं था, उनकी राजनीति खत्म होने जा रही थी। अब हालांकि कितना भरोसा नीतीश पर ये इंडिया गठबंधन करेगा, सॉरी एनडीए करेगा, क्योंकि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार भी रह चुके हैं। एक समय था कि इंडिया गठबंधन के सूत्रधार थे, सबको इकट्ठा किया एक मंच पर लाए, तब त्यागी जी कह रहे हैं कि हम तो एनडीए में ही रहेंगे जो जेडीयू के प्रवक्ता है। कितना भरोसा हो सकता है नीतीश जी पर? तिवारी साहब भरोसा करना पड़ेगा, और नीतीश कुमार जी को भी अपनी जमीन को थोड़ा मजबूत करना है, कि उनकी भी जमीन जो है पलटूराम के चर्चा की वजह से काफी खसक गई है बिहार में। हमारे मित्र पांडे जी अभी कह रहे थे कि बिहार की तरफ से सरकार बनने जा रही है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश की वजह से सरकार बनती है, उत्तर प्रदेश की वजह से सरकार गिरती है, तो उत्तर प्रदेश ही है जिसने सरकार को बनाने का न्योता भी दिया हुआ, ऐसी कोई बात नहीं। अगर ये उत्तर प्रदेश की 35 सीट भी नहीं आती तो नीतीश कुमार के जगह पर और को भी लाना पड़ता, और अगर ये 35 सीट की जगह 50 सीट हो जाती तो नीतीश कुमार की जरूरत नहीं थी। नीतीश कुमार को भी अपनी जमीन मजबूत करनी है, इसलिए नीतीश कुमार जी टिके रहेंगे। वह जानते हैं कि चचा भतीजे एक साथ फ्लाइट में आए जरूर हैं, लेकिन हमने भतीजे को आशीर्वाद दिया है लेकिन भतीजे के साथ जा नहीं रहा हूं। हाँ, ये अलग बात है कि जिद, चूंकि जो मोदी जी योगी जी की और नड्डा जी की मीटिंग में बैठ करके तय किया जाता था, अब चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार को बैठा करके ही तय करना पड़ेगा। अब यह कैसे, हमारे पांडे जी बहुत सही बात कह रहे थे, गुजरात में उनके स्टाइल बड़ा था कि जो भी विरोधी थे उसको खत्म कर देते, अब वो कैसे उस नीतीश कुमार को जिसको अमित शाह जी ने कहा था कभी भाजपा में नहीं आया कैसे बर्दाश्त करेंगे, कैसे चंद्रबाबू नायडू को बर्दाश्त करेंगे, कैसे कैसे आगे चल के कौन कौन सी डिमांड रखेंगे, इस पर बड़ा ध्यान देना होगा। सरकार तो बन रही है, हम भी जान रहे हैं, पूरा देश जान रहा है, और सरकार नहीं, एक बात आपने की ना तिवारी साहब के, नीतीश जी और तेजस्वी एक ही मतलब प्लेन में सवार थे दोनों, पहले आगे पीछे बैठे थे फिर पास पास में बैठ गए, ये कोई आगे कोई मतलब नया कोई स्ट्रेटेजी हो सकता है क्या आने वाले दिनों में? हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, 2-4 महीने बाद 6 महीने बाद सब खुलासा हो जाएगा। अगर हो जाएगा तो ये दोनों लोग जा सकते हैं। भाई आज चंद्रबाबू नायडू आप आंध्र प्रदेश में चीफ मिनिस्टर के भी दावेदार हैं, उनकी सीट भी बहुमत से है। चंद्रबाबू नायडू के पास आज सीट है लोकसभा में, वह कांग्रेस में भी जा सकते हैं। आज चंद्रबाबू नायडू तो दोनों तरफ से मजबूत हैं, पर नीतीश कुमार जी दोनों तरफ से मजबूत नहीं है। नीतीश कुमार जी के पास सिर्फ 12 सीट है, और 12 सीट अगर हटा दिया जाए, 17 सीट निर्दल की ले ली जाए तब भी सरकार बनती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। 12 हटा दो नीतीश जी की तो भी एनडीए अपनी सरकार बना सकती है, मान लो कि बाकी के दल को नहीं भी लेता तो भी बन जाती है सरकार, वो भी बन जाती है। 16 सीट निर्दल की अभी बची है, पप्पू यादव को हटा दे तो 16 सीट अभी निर्दल की बचती है।
नहीं, पप्पू यादव जी शुरू से बीजेपी के विरोधी रहे हैं, हो सकता है पप्पू यादव ना है, लेकिन फिर भी 16 सीट बचती है और 12 सीट नीतीश कुमार की है, तो निर्दल प्रत्याशी भी भारतीय जनता पार्टी ले सकती है क्योंकि बहुत से काम उसने किए हैं। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कोई बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं है, आप महत्वपूर्ण व्यक्ति है चंद्रबाबू नायडू जी। नीतीश कुमार का आ करके वापस चले जाने से भारतीय जनता पार्टी को कोई घबराहट नहीं है। हाँ, ये अलग बात है कि नीतीश कुमार को मंत्रिमंडल देना पड़ेगा, विशेष राज देना पड़ेगा, बहुत से दिमाग। हाँ, भारतीय जनता पार्टी को बड़ा सोच समझ के काम करना होगा, 16 निर्दलियों को अपने साथ जरूर ले लेना चाहिए, वरना नीतीश कुमार जी का कभी भरोसा नहीं है कि एक और साथ वो बैठे निर्दलीय भी तैयार होने चाहिए ना तिवारी साहब, तो निर्दलीय भी जाएंगे। तैयार, निर्दलीय भी तैयार होने चाहिए ना, उनको भी एक अपनी जमीन बनानी है, उनको भी आगे राजनीति करनी है, वो भी है। अच्छा ठीक है पांडे साहब, पांडे साहब को मैं जरा पूछ लूं कि यूपी में जो बात करते हैं, अयोध्या में बात करते हैं, मान लो कि बाबरी को ढाई और उस जगह अयोध्या में राम मंदिर तो बना दिया, और अयोध्या में भी जो हार हुई भारतीय जनता पार्टी की 2022 में, हालांकि जीत हुई थी पर यूपी वाले झटके से जो ब्रांड योगी है उनके योगी आदित्यनाथ पर कितना असर पड़ेगा, क्योंकि सीटें बहुत कमाई है इस बार। पांडे साहब देखिए, मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है योगी आदित्यनाथ को हटाने का साहस जो है अभी कर पाएगा, क्योंकि जिस तरह से जो है खबरें आ रही हैं, और देखिए लॉ एंड ऑर्डर पे तो उन्होंने काम किया है, ऐसी इसमें कोई दो राय नहीं है। अब ये सबसे बड़ी बात है कि पार्टी को थोड़ा आत्ममंथन करना पड़ेगा, क्योंकि सबसे बड़ा टिकट आवंटन में है, और जिस तरह की खबरें आ रही हैं लखनऊ से भी छन के, दिल्ली से छन के, यहाँ दिल्ली वगैरह में भी, कि मतलब टिकट आवंटन पूरा दिल्ली से तय हुआ था। योगी आदित्यनाथ तो जैसा ऊपर से कहा गया, मतलब उनको मतलब उनकी चली भी नहीं है। अब ये तो मतलब पार्टी आलाकमान ही बता सकता है। लेकिन जहां तक अयोध्या की बात की, तो आप ये देखिए कि अयोध्या में तो एक तरह से मुझे लगता है भगवान राम का जो है क्या श्राप मिला हुआ है, वो पहले संवरेगी, उसके बाद उजड़ेगी। जो महापुरुष या धर्मपरायण व्यक्ति आएगा, कोई उसका उद्धार करेगा, उसका वैभव लौटाएगा, लेकिन अयोध्या वासी जो है उसके साथ फिर से दगा करेंगे, और वो फिर बाद में श्री राम का जो है वो साथ देंगे। पांडे तो साहब कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है इसमें कि मान लो कि एनडीए तो दावा कर रही है और उसके पास बहुमत भी है, इंडिया का कोई जमीनी कोई प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है कि इंडिया भी सरकार बना सकती है आने वाले दिनों में? देखिए, मैं जिस तरह से बताऊं, जिस तरह से कांग्रेस के नेता वगैरह हैं उनसे, मतलब यहाँ दिल्ली वगैरह में जो बातचीत वगैरह हुई है, उसमें ये निकल के आ रहा है कि अभी कांग्रेस जो है वो दावा पेश नहीं करी, वो वेट एंड वॉच वाली स्थिति में है। आज इनकी बैठक भी है, वो सहयोगियों से विचार विमर्श करेगी, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे पास नंबर ही नहीं है। एक संभावना ये जरूर बन रही थी कि तीसरा मोर्चा, अगर नीतीश कुमार हो गए आपके और चंद्रबाबू नायडू हो गए, ये अगर साथ आते हैं, तो तीसरा मोर्चा पूरा मतलब बनाने की दिशा में हम बढ़े और कांग्रेस उसको बाहर से समर्थन करे। इस तरह की खबरें आ रही थी, बराबर शरद पवार एक्टिव रोल इस पे निभा रहे हैं, कल रात को जो है बात आज भी हुई थी, लेकिन इस तरह का ऐसा कुछ है नहीं। कांग्रेस के जो इंटरनल सोर्सेज हैं, उनसे जिस तरह की बात आई है, उनने कहा कि वो ये जनादेश उनके लिए है ही नहीं, उनके पास नंबर्स भी नहीं है। और सबसे बड़ी बात क्या है बराबर कि इंडिया एयरलाइंस पूरा भानुमति का कुनबा है, और आप ये देखिए कि आप किस किस को मंत्रालय देंगे, इस तरह की बार्गेनिंग बहुत ज्यादा होगी। हालांकि जो एनडीए है उसके साथ स्थिति क्लियर है, बीजेपी के पास 240 सीटें हैं, और आपको जो है फिर नंबर गेम से में जो है 32 सीटें आपको और चाहिए, 272 का जादुई आंकड़ा आपको चाहिए। अगर ये मिलेगा तो आप जाहिर सी बातें बनाएंगे, और वो एनडीए कर रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि क्या एनडीए अगर एकजुट रहा तो सहयोगी दलों के तेवर 10 वर्ष तक एक जैसे ही रहेंगे जैसे 10 वर्ष में रहे थे, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। ऐसे में गठबंधन बिल्कुल सरकार का नेतृत्व करना है, फिर एक नए तरह की कौशल की मांग जो है वो जो है की जाती रहेगी, जिसके लिए नरेंद्र मोदी नहीं जाने जाते हैं। और नरेंद्र मोदी किस कौशल के लिए जाने जाते वो हैं कौशल्य वो पा देखते लेंगे हैं। ना पांडे साहब, वो कौशल्य भी पा लेंगे कि सबको मतलब बैसाखी का सहारा लेके भी भले मजबूर होना पड़े पर सरकार। लेके आते हैं तो नरेंद्र मोदी ऐसे कौशल के लिए जाने नहीं जाते हैं गुजरात के तरफ से, अच्छा क्योंकि देखा होगा आपने उनकी पहचान जो है अलग तरह की रही है, और एक आदेशात्मक जो निर्णय वगैरह चलो देता है बिल्कुल, उस प्रशासक की रही है। तो वन मैन शो वाला जो है कि हम ब्रह्मास्मि वाला, वो वो चीज चित्र नहीं उसको खड़ा। थोड़ा थोड़ा कुछ बड़ा दिल उनको दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ये जनादेश जो है चलो साफ तौर बिल्कुल पर दिखा रहा है। जी ओके ओके एटले सवाल ये कि वडाप्रधान नरेंद्र मोदी जे रीते दमखम रीते પોતાનું વડાપ્રધાન પદ નિભાવ્યું છે, જે રીતે સત્તા મેળવી છે, જે રીતે સરકાર ચલાવી છે, હવે ગઠબંધન વાળી જો સરકાર આવે છે તો ક્યાં કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવો પડે છે, અને એમાં પણ નીતીશ અને ચંદ્રબાબુ નાયડુ એ ફેક્ટર ભારે છે, નાયડુનું ફેક્ટર બહુ જ મહત્વપૂર્ણ છે જે પ્રમાણે એમની પાસે બહુમતી છે, ત્રીજી વસ્તુ એ છે કે ક્યાંક જે સ્થાનિક દળો છે ક્ષેત્રીય જે પાર્ટીઓ છે એને ક્યાંક ખતમ કરવાની કોશિશ કરવામાં આવી હતી, એ જ ક્ષેત્રીય પાર્ટીઓ હવે કેન્દ્રમાં આવી છે, કેન્દ્ર સ્થાને આવી છે, એની બોલબાલા છે, એટલે સમય બદલાય એમ બધું જ બદલાતું હોય છે, બંને રાજકીય વિશ્લેષકો કહ્યું તે પ્રમાણે, અને ખાસ તો
ત્રીજા મોરચાની પણ એક વાત આવી રહી છે, પરંતુ એને બહુ વજૂદ મળી રહ્યું નથી. પણ જોવાનું એ રહેશે કે નીતીશ પર કેટલો ભરોસો થાય છે, અને જો ભરોસો કરે છે તો પછી વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદી જે એક સક્ષમ વડાપ્રધાન તરીકે રહ્યા છે અને કોઈ કોમ્પ્રોમાઇઝ નથી કર્યો, તો આ જે ક્ષેત્રીય દળો છે અથવા નીતીશ અથવા તો જે ચંદ્રાબાબુ નાયડુ છે એમના સહારે, જેમણે અત્યારથી જ જો કદાચ કોમ્પ્રોમાઇઝ કરવા માટે બાર્ગેનિંગ શરૂ કર્યું હોય અથવા માંગ શરૂ કરી હોય કે આટલા મંત્રાલય જોઈએ અને સ્પીકર પદ જોઈએ, તો શું આના માટે ભાજપા તૈયાર થશે? ભાજપા તો થશે, પણ વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જે પ્રમાણે અત્યાર સુધીની સત્તા જે ભોગવી છે એ માટે નરેન્દ્ર મોદી તૈયાર થશે કે કેમ, એ પણ સવાલ છે. આવનારા સમયમાં ખબર પડશે કે કયા પ્રકારના રાજકીય સમીકરણો રચાશે અને સરકાર કોણ બનાવશે. ચર્ચાનું સમાપન કરીએ છીએ. હર્ષવર્ધન પાંડે સાહેબ ઓર ડોક્ટર અજય તિવારી દોનો ઉપસ્થિત રહે, બહુત બહુત શુક્રિયા. થેન્ક યુ વેરી મચ. થેન્ક યુ, ધન્યવાદ. તો દર્શક મિત્રો, લોકમંચ કાર્યક્રમમાં હતી આજની ચર્ચા. એનડીએ ને બહુમત, પરંતુ ઇન્ડિયા પણ રેસમાં. ફરી મળીશું. જોતા રહો ગુજરાત ન્યૂઝ. નમસ્કાર.